स्टैंडर्ड 5th एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1। पार्ट 1 में लेसन नंबर 5 है फैमिली वैल्यूज। फैमिली वैल्यूज मींस परिवार का महत्व। परिवार का क्या महत्व है? कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? इन योर फैमिली हाउ डू यू मेक द डिसीजन टू गो ऑन ए ट्रिप? Do you offer suggestions about the places to visit during the trip? Do you get a suggest which guests should be invited over during a holiday? How do you help during preparations for festivals or functions at home? तो क्या आप बता सकते हो कि आपके परिवार में आप कैसे डिसीजन करते हो ट्रिप पे जाने का? जब हमें कहीं ट्रिप पे जाना है तो कैसे डिसीजन लेते हो? और क्या अभी क्या कभी आप अपने परिवार वालों को सजेशंस देते हो ट्रिप में जाने के लिए क्या बेहतर है? सजेशंस देते हो क्या? कभी आपने डिसाइड किया है कि कौन से गेस्ट हमारे घर आएंगे हॉलीडे पे, छुट्टी पे कौन आएगा हमारे घर, और आपने कैसे तैयारियां की किसी फेस्टिवल या फंक्शंस की? आपके घर पर अगर कोई त्योहार है, कोई फंक्शन है, तो किस प्रकार आप तैयारी करते हो? ये सब चीजें आप डिसाइड करते हो, कभी डिसीजन करते हो? रोल इन डिसीजन मेकिंग, तो हमारा रोल डिसीजन लेने में हमारी क्या भूमिका है? वी लिव टुगेदर इन अ फैमिली, एवरी पर्सन्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर डिफरेंट, थॉट्स एंड ओपिनियंस कैन आल्सो डिफर, वी आवरसेल्व्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इवन सो अवर थॉट्स एंड ओपिनियंस कैन मैच दोज ऑफ अदर्स ऑन वेरियस टॉपिक्स, वी हैव लव एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर, वी टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड आर कंसर्न अबाउट अदर पीपल्स वेल बीइंग, वी टॉक टू ईच अदर बिफोर मेकिंग डिसीजंस अबाउट एनीथिंग इन द हाउस, वी कंसल्ट ईच अदर एंड मेक डिसीजंस that everyone agrees with. In this way, we are part of the decision making in the family. तो decision making में हमारा क्या role है? तो हम सब जो है परिवार में एक साथ रहते हैं, कई लोग रहते हैं परिवार में, तो और हर एक लोगों की पसंद और नापसंद अलग रहती है, रहती है ना? जो आपको पसंद है हो सकता है वो आपके भाई बहन को ना पसंद हो, और जो हमें पसंद है वो दूसरों को नहीं पसंद आता। तो हर एक इंसान की जो पसंद नापसंद अलग रहती है फैमिली में, और सबके सोचने का ढंग और उनके आइडियाज अलग रहते हैं, है ना? तो लेकिन हम कैसे डिसीजन लेते हैं? हम लोग सबके आइडियाज और विचार सुनते हैं, सबके डिसीजन लेते हैं, और सबको बोलते हैं कि अपना अपना सलाह दो, और फिर सब मिल बैठकर हम डिसीजन करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो परिवार में इस प्रकार डिसीजन मेकिंग किया जाता है, सबके विचार जानकर, सबकी पसंद नापसंद को हम ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज का डिसाइड करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एवरीवन हैज ए रोल इन डिसीजन मेकिंग? ईच पर्सन गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू से व्हाट दे थिंक बाय आस्किंग एवरीवन्स ओपिनियंस। द सब्जेक्ट इज थॉरली डिस्कस्ड फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। वी फील लाइक अ मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली व्हेन वी सी दैट अवर ओपिनियन इज वैल्यूड। तो क्या होता है जब हर एक जो है वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेता है? तो परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबको अवसर मिलना चाहिए कि वो अपनी सोच जो है वो सबके सामने रख सके, है ना? तो फिर हर एक की सोच को जो है हम सब्जेक्ट से मैच करते हुए विचार करते हैं, फिर और जिस और कौन सा किसका सही डिसीजन है फिर हम वो उसको फॉलो करते हैं। तो इससे क्या होता है, हर एक मेंबर को लगता है कि हम इस घर के, इस परिवार के अहम हिस्सा है ना? परिवार में रहना है तो सबकी सुनना और सहना पड़ता है, और सबके डिसीजन को मानना पड़ता है, तभी प्रेम बढ़ता है परिवार में। जस्ट एज वी हैव ए रोल इन मेकिंग डिसीजन इन अवर फैमिली, वी ऑल्सो हैव ए रोल इन पब्लिक डिसीजन मेकिंग। In newspapers, we read about matters requiring public participation. A few examples of such news have been summarized below. तो हम जिस प्रकार परिवार में अपना अहम रोल निभाते हैं डिसीजन करने में, ऐसे ही हमें
पब्लिक के लिए भी कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है, हमारे डिसीजन के ऊपर ही कभी कभी सरकार चलती है, तो हमें पब्लिक प्लेसेस पे भी बोलने का अधिकार है। तो ये कुछ नीचे दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ हम पब्लिक यानी सामूहिक जगह पर जहां पूरी जनता के लिए हम डिसीजन लेते हैं तो वो कौन से एरियाज है। रीड एंड डिस्कस। सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन म्युनिसिपल बजट प्लानिंग। सिटीजन्स टू डिसाइड द मैटर्स ऑन विच टू स्पेंड मनी। सिटीजन्स क्राउड टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स टू सिटी डेवलपमेंट प्लान। इनॉग्रेशन ऑफ रोड ज्वाइनिंग सिक्स विलेजेस। ज्वाइंट एफर्ट बाय सिक्स विलेजेस बेयर्स फ्रूट। तो ये ऐसे एरिया से जहां पे हम पब्लिकली डिसीजन लेते हैं कि सड़कें कैसी होनी चाहिए, तो वहां गवर्नमेंट को हम सलाह दे सकते हैं। म्युनिसिपल प्लान बजट जब बनता है, हम वोट करके सरकार चुनते हैं, तो ये सब हमारा डिसीजन है कि हमें किसे वोटिंग करना है और नहीं करना है। वी फील द नीड फॉर माइनर चेंजेस इन अवर एनवायरमेंट। इट इज टू अवर एडवांटेज दैट एवरीवन हैज ए रोल इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट चेंजेस इन अवर सराउंडिंग्स। द गवर्नमेंट वी इलेक्ट मेक्स डिसीजंस रिगार्डिंग पब्लिक मैटर। इफ वी फील दैट अ डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट इज रॉन्ग, वी कैन रजिस्टर अवर ओपिनियन। इन दिस वे वी कैन बी ए पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो अगर कभी कभी हमें लगता है कि हमने जिसको इलेक्शन में जीता के लाया है उसका डिसीजन अगर कुछ गलत है, वो गलत है, तो हम अपना ओपिनियन जो है वो हम बता सकते हैं, हम अपना डिसीजन वहां दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम पब्लिक के लिए काम करते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो। नोट द फॉलोइंग सिचुएशंस केयरफुली। स्टेट विच ऑफ द चिल्ड्रन शो ऑनेस्ट बिहेवियर। तो नीचे के स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताना है ऑनेस्ट है ना ईमानदारी, तो किसने ईमानदारी दिखाई। अफरीन बोरोड ए पेंसिल फ्रॉम मीनू। आफ्टर शी फिनिश्ड यूजिंग इट शी रिटर्न्ड इट। तो अफरीन ने एक पेंसिल अपनी सहेली से उधार लिया और अपना काम होने के बाद उसे लौटा दिया। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, उसने ईमानदारी दिखाई कि नहीं दिखाई। दिखाई ना, क्योंकि उसने उसकी पेंसिल लौटा दी। शमा फेल डाउन हर बाइसिकल फ्रॉम हर बाइसिकल। हाउएवर शी टोल्ड हर मदर नेहा पुश्ड मी ऑफ द बाइसिकल। अब शमा जो है वो बाइसिकल से गिर गई, पर उसने अपनी मम्मी को क्या बताया कि नेहा ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया। तो बताओ यहां पर शमा ने ईमानदारी दिखाई कि बेईमानी। गलत है ना, यहां पे शमा ने झूठ बोला, तो वो ईमानदार नहीं है। उसने अपनी मम्मी को झूठ बोला कि नेहा ने मुझे धक्का दे दिया। मैरी टुक द बैग शी फाउंड इन हर रिक्शा टू ए पोलिस स्टेशन। अब मैरी को ऑटो रिक्शा में एक बैग मिला और वो उसे लेकर पोलिस स्टेशन चली गई। तो उसने ईमानदारी दिखाई कि क्या बेईमानी की। ईमानदारी दिखाई है ना, क्योंकि किसी का उसको बैग मिला तो वो सीधा उसे पुलिस स्टेशन में लेके चली गई। इफेक्ट्स ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर। तो ईमानदारी और बेईमानी के क्या असर होता है। वी डू मैनी डिफरेंट थिंग्स एवरी डे। Sometimes we make mistakes. When we realize that we have made a mistake, we should talk about it openly with our friends and family. By doing this, we learn to be honest and find a way to correct our mistakes. तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं और कभी कभी हमसे गलतियां भी हो जाती है, पर हमें जब एहसास होता है कि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें तुरंत इसे मान लेना चाहिए और उसे खुल के अपने दोस्तों के साथ या फिर परिवार वालों के साथ बताना चाहिए, जिससे जो है हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। इट इज आल्सो नेसेसरी टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन अवर वर्क। वी मस्ट ट्राई हार्ड टू कीप द ट्रस्ट इन एनी रिलेशनशिप एंड नेवर चीट। इफ वी आर ऑनेस्ट वी डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड। तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने काम के प्रति जो है वो ईमानदार और सिंसियर भी रहना बहुत जरूरी है ना, जिससे जो है हम अपने रिलेशनशिप में जो है मजबूती ला सकते हैं। अगर हम बार बार झूठ बोलेंगे तो हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा, सब हमसे दूर भागेंगे। इसीलिए ईमानदारी जो है वो बहुत जरूरी है अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए। वी डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड। अगर हमारे रिश्ते मजबूत रहेंगे तो हमें कोई डर नहीं लगेगा। But if we are dishonest,
वी लूज अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, वी मस्ट बी ऑनेस्ट एट होम एज वेल एज इन पब्लिक, एवरी वन रिस्पेक्ट एट ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्टी इज अवर स्ट्रेंथ। तो अगर हम ईमानदार रहेंगे तो हमें किसी से डर नहीं लगेगा और हमारी परिवार में इज्जत भी रहती है। यही अगर हमने बेईमानी की तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हमें डर लगता है, तो हमें घर पे भी और पब्लिक के साथ भी ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदार इंसान की जो है वो हर कोई कदर करता है और वही हमारी ताकत है, ईमानदारी जो है वो हमारी ताकत है। ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ, इफ वी आर ऑनेस्ट इन आवर पब्लिक लाइफ वी विल गेट बेटर पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज। व्हाट हैपेंस इफ वी ट्रेवल ऑन ए ट्रेन और बस विदाउट अ टिकट, आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल रन एट ए लॉस एंड वुड सून हैव टू शट डाउन। इफ ईच पर्सन बाइज अ टिकट ऑनेस्टली दिस प्रॉब्लम विल नॉट अराइज। तो हमें जब हम जनता के बारे में सोचे, अपने कर्तव्य के बारे में सोचे, तो हमें पब्लिकली भी ईमानदार रहना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बिना टिकट के सफर करते हैं, टैक्स पे नहीं करते, तो इससे क्या होता है, हमारी सरकार को नुकसान होता है। अगर हम कई लोग टिकट के बिना ट्रेवल करेंगे तो उनको लॉस होने लगेगा और धीरे धीरे वो फिर सुविधा बंद हो जाएगी, तो इससे नुकसान हमारा ही होगा। अगर हम ईमानदारी से टिकट लेंगे तो सरकार को भी बराबर सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसे मिलते हैं। ऑनेस्टी कैन इंक्रीज एफिशिएंसी इन पब्लिक लाइफ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक लाइफ। तो ईमानदारी से ही जो है वो डिसिप्लिन और जनता में जो है वो एफिशिएंसी पैदा करने की आती है, नहीं तो अगर बेईमान रहे तो सब नुकसान ही नुकसान होता है। एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन है एक दूसरे की सहायता करना, तो उसके क्या फायदे हैं। इन अ फैमिली वी कोऑपरेट विथ ईच अदर, सिमिलरली इन टीम स्पोर्ट्स द मोर द प्लेयर्स कोऑपरेट विथ वन अनादर द बेटर इज देयर गेम। इंस्टेड ऑफ कीपिंग द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन रेस्ट्रिक्टेड टू स्पोर्ट्स वी शुड ब्रिंग इट इन टू पब्लिक लाइफ एज वेल। एवरी वन नीड्स टू कोऑपरेशन इन पब्लिक लाइफ, वी टू नीड द हेल्प ऑफ अदर्स, फेयर्स रैलीज एंड अदर सच गैदरिंग्स कैन ओनली बी अरेंज्ड सक्सेसफुली। फेयर्स रैलीज एंड अदर सच गैदरिंग्स कैन ओनली बी अरेंज्ड सक्सेसफुली इफ वी कोऑपरेट विथ वन अनादर। तो पब्लिक में भी हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तो ही हमारे कोई भी काम जो है सही ढंग से होते हैं। जैसे अगर हमें कोई मेला भरना है या रैलीज निकालनी है या कोई बड़े गेट टुगेदर करना है, तो इसमें भी जो है एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हुए हमें एक दूसरे की सहायता से ही हम ये बड़े बड़े इवेंट्स कर सकते हैं। जिस प्रकार परिवार में एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है, ऐसे ही अपने देश को चलाने के लिए भी पब्लिक पर विश्वास होना चाहिए, उनकी सहायता लेकर ही हम कोई बड़े बड़े काम कर सकते हैं। व्हाट द सॉल्यूशन, वी मीट अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज वे। तो अगर कोई लड़का जो रास्ता भूल गया है तो उसका सॉल्यूशन हम क्या निकालेंगे। व्हाइल ऑन ए ट्रिप वी रियलाइज दैट आवर फ्रेंड्स हैज फॉरगेटन हर टिफिन एट होम। अगर हम किसी ट्रिप पर गए हैं और जब हमें पता चला कि हमारे मित्र जो है वो अपना खाने का टिफिन जो है घर पर ही भूल गए, तो ऐसे समय में आप क्या सॉल्यूशन निकालोगे। सम पीपल आर स्टक इन द लिफ्ट ऑफ ए बिल्डिंग। अगर कभी कोई लोग जो अपने बिल्डिंग के लिफ्ट में फंस जाते हैं, तो ऐसे समय हम क्या डिसीजन लेंगे। टॉलरेंस मीन्स सहनशीलता। अब परिवार में रहना है तो सब सहन भी करना पड़ता है, सहनशीलता भी होनी चाहिए हमें। वी ऑल हैव सम फॉल्ट्स, वी कैन इंप्रूव ऑन दीज फॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वी मे नॉट एग्री विथ ईच अदर एवरी टाइम, समटाइम्स देयर आर डिसएग्रीमेंट्स इवन बिटवीन फ्रेंड्स। एट सच टाइम्स वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स इंस्टेड ऑफ इंसिस्टिंग दैट ओनली अवर पॉइंट ऑफ व्यू इज द करेक्ट। कभी कभी क्या होता है, हमें भी कई कमियां होती है ना, हमें उन कमियों को सुधारना चाहिए। किसकी मदद से, कभी कभी हमें अपनी कमियां कौन बताता है, या तो हमारे परिवार के लोग बताते हैं या हमारे मित्र बताते हैं। जो हमारे सच्चे मित्र है वो हमारी कमियां बताते हैं,
जिसे हमें सुधारने की कोशिश करना चाहिए। जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हम हर दूसरों की बात मानते ही हो, कभी कभी क्या होता है दोस्तों के बीच में भी परिवार के बीच में भी हम किसी की बात मानते नहीं है, तो हमें उनको भी समझना चाहिए कि किसका पॉइंट सही है और किसका नहीं। तो हमारा देखने का नजरिया, समझने का जरिया जो है वो बदलना चाहिए। ऑन सच ओकेशंस वी मस्ट लिसन टू द अदर पर्सन, इन दिस वे वी लर्न टू बी टॉलरेंट। रिस्पेक्टिंग ओपिनियंस विच आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन इज कॉल्ड टॉलरेंस और ब्रॉड माइंडेडनेस। तो कभी कभी क्या होता है हमें दूसरों की बात माननी पड़ती है, हम उसके बात से सहमत होते, तो ये भी हमारी सहनशीलता को दिखाता है ना, दूसरों की ओपिनियन को मानना। टॉलरेंस हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन अवर कंट्री। पीपल फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स क्रीड्स कल्चर्स एंड फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम्स लिव हेयर, दैट इज वाई इट इज नेसेसरी फॉर एवरी वन टू बी टॉलरेंट और ब्रॉड माइंडेड। Diversity can be preserved through tolerance. तो हम जो है अपने इंडिया में जो है तरह तरह के लोग रहते हैं, सबकी बोली अलग, पहनावा अलग, तीज त्योहार अलग, लेकिन फिर भी हम उनकी सहायता उनके तीज त्योहारों को मनाते हैं। इंडिया में हम कई प्रकार सबकी इज्जत करते हुए उनका भी ध्यान रखते हुए, तो ये सब जो है हमारा टॉलरेंस ही है, और हमारी इससे हमारी ब्रॉड माइंडेड का पता चलता है कि हम कितना उच्च विचार रखते हैं, है ना। तभी तो हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के बोली वाले लोग, वेशभाषा के लोग रहते हैं, वेशभूषा वाले, फिर भी एक दूसरे के साथ प्रेम से मिलकर रहते हैं, तो यही हमारी सहनशीलता है। सोशल लाइफ इट एनकरेजेस अस टू थिंक अबाउट अदर्स विथ कंसर्न। वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अवर एनवायरमेंट बाय बीइंग ब्रॉड माइंडेड, है ना। तो हम सोशल लाइफ जीते हुए सबकी एक दूसरे की सहायता करते हैं। जेंडर इक्वेलिटी यानी अब लिंग भेदभाव, लिंग में भी इक्वलिटी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये औरत है। तो हमारे देश में जो है वो जेंडर इक्वेलिटी भी है, यानी लिंग में कोई भेद नहीं है, सब समान है, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, लड़का हो या लड़की हो। बॉयज एंड गर्ल्स और मेन एंड वुमेन आर इक्वल एज ह्यूमन बीइंग्स। कंसिडरिंग बॉयज इज कॉल्ड जेंडर इक्नी। कंसिडरिंग बॉयज एंड गर्ल्स टू बी इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड जेंडर इक्वेलिटी। बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट रिस्पेक्ट वन अनादर। इन द कंपनी ऑफ अवर फ्रेंड्स वी कंसिडर ऑल ऑफ देम टू बी अवर इक्वल्स। वी मस्ट मेंटेन दिस सेंस ऑफ इक्वेलिटी एज सिटीजन्स वेन वी ग्रोन अप। तो हम जहां काम करते हैं, हमारे जो मित्र, चाहे वो लड़की हो या लड़का, तो हम सबको समान मानते हुए चलते हैं, यही हमारी ब्रॉडेड है। बाय डेवलपिंग दिस सेंस ऑफ इक्वेलिटी एवरी वन गेट्स टू लर्न एंड मेक प्रोग्रेस। फूड क्लोथिंग शेल्टर हेल्थ एंड एजुकेशन आर द कॉमन नीड्स ऑफ मेन एंड वुमेन। फॉर द पर्पज ऑफ इक्वेलिटी ईच ऑफ दीज नीड्स मस्ट टू बी फुलफिल्ड प्रॉपरली। Men and women have equal rights to facilities such as these similarly. Men and women must get equal opportunities to progress. अगर हम इस इक्वेलिटी को समझ ले कि कोई भेदभाव ना करे किसी में भी, तो हम जो है वो बहुत तरक्की कर सकते हैं, है ना। चाहे वो कपड़े में है, खाने पीने में हो, हमारी सेहत हो, पढ़ाई लिखाई में हो, तो सबको समान मिलना चाहिए, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, सबके इक्वल हर चीज मिलना चाहिए। तो इसी से जो है हमारी तरक्की होती है और हमें आगे बढ़ने के चांसेस मिलते हैं। प्रिपेयर स्लोगन्स ऑन जेंडर इक्वेलिटी। तो कोई भी ऐसा एक स्लोगन तैयार करना है हमें जेंडर के ऊपर। व्हाट्स द सॉल्यूशन, अब इसके सॉल्यूशंस क्या है। द फॉलोइंग थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड इन सम फैमिलीज। इन सम होम्स बॉयज यूनिफॉर्म्स टेक्स्ट बुक्स एंड बैग्स आर ब्रॉट फर्स्ट परचेज फॉर गर्ल्स आर पुट ऑफ। यानी कुछ कुछ परिवारों में इसका भेदभाव किया जाता है। देखो, अगर लड़का है तो उसके लिए पहले कपड़े लाते हैं, उसको स्कूल बैग देते हैं, उसे स्कूल भेजते हैं, और लड़कियों के लिए ये चीजें नहीं की जाती, लड़कियों को पीछे रखा जाता है, तो ये गलत है। वेन हिज टीम लॉस्ट अ कबड्डी मैच रघु बिगन टू क्राई। दिनेश सेड व्हाई आर यू क्राइंग लाइक ए गर्ल।
देखो अब कोई लड़का रोता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यों तुम लड़की जैसे रो रहे हो, है ना। तो यहाँ पे भी भेदभाव हो रहा है ना, इसका मतलब है कि लड़के लोग को रोना नहीं चाहिए, लड़कियां ही रोती है क्या सिर्फ, तो ये भेदभाव है ये। वंदना लाइक्स द बैट एंड बॉल ए लॉट, हाउएवर शी इज गिवन डॉल्स एंड टॉय स्टोव्स एंड यूटेंसिल्स टू प्ले हाउस। तो वंदना जो है उसको बैट बॉल खेलना बहुत पसंद है, पर उसको क्या है, खिलौने गुड़िया और बर्तन मांडे लाके दे देते हैं खेलने के लिए घर के अंदर। तो ये भी भेदभाव है, क्योंकि क्या लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, जिस प्रकार लड़कों को अधिकार है क्रिकेट खेलने का तो लड़कियां भी खेल सकती है, पर यहां पर गलत किया है। सारिका हेल्प्स हर मदर विद द कुकिंग एंड हाउस होल्ड कोर्सेस, हर ब्रदर इज नेवर आस्क्ड टू डू द सम। तो अब देखो सारिका जो है अपनी मम्मी की घर कार्य में हेल्प करती है, खाना बनाने में मदद करती, पर उसका भाई कोई भी काम नहीं करता, उसे कभी कोई नहीं डांटता, ये गलत है ना, क्योंकि लड़का और लड़की सब समान है, सबसे काम करवाना चाहिए, सबको एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, अब आपको ऑलवेज रिमेंबर रखने वाली चीज है, क्या याद रखना है आपको हमेशा, ऑनेस्टी इंक्रीजेस एफिशिएंसी इन पब्लिक लाइफ एंड मेक्स इट पॉसिबल टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एंड लेबर। ईमानदारी जो है वो हमेशा फायदे की रहती है पब्लिक लाइफ में, ये हमको हमारा टाइम वेस्ट होने से बचाती है, हमारे पैसे बचाती है और हमारी मेहनत भी बचाती है। व्हाट वी हैव लर्न्ड, अब तक हमने इस पूरे चैप्टर से क्या सीखा, एवरीवन इन द फैमिली मस्ट हैव ए से इन डिसीजन मेकिंग, वी मस्ट बी ऑनेस्ट इन अवर प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन मेक अवर कम्युनिटी लाइफ हार्मोनियस एंड पीसफुल, ए टॉलरेंट एटीट्यूड मेक इट इजी टू प्रिजर्व डाइवर्सिटी, मैन एंड वुमेन आर इक्वल, मैन एंड वुमेन आर इक्वल, इट इज नॉट राइट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम। तो हमने इस पूरे चैप्टर में क्या सीखा कि हर एक परिवार में सबको डिसीजन मेकिंग लेने का अधिकार है ना, और वी मस्ट बी ऑनेस्ट, और हमें सदा अपने परिवार में चाहे और पब्लिक प्लेस पे हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, और सहनशीलता और एक दूसरे की सहायता ही हमें कम्युनिटी लाइफ जीने के लिए और शांतिपूर्वक हमारा जीवन चलने के लिए महत्वपूर्ण होता है। सहनशीलता की जो एटीट्यूड है हमारी, जो हमारी सहनशीलता है वो हमें इजीली टूटने से बचाती है। और मैन और वुमेन, आदमी और औरत में इक्वल है, हम कोई भेदभाव ना रखते हुए हम आगे, अगर हम औरत और आदमी में कोई भेदभाव नहीं करेंगे तो हमारे बीच में झगड़े भी कम होंगे। तो इस प्रकार हमने इस पार्ट में ये सब चीजें देखी ईमानदारी के बारे में। अब आगे इसके लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस पार्ट के एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर मिलेंगे।